विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन विपक्ष के इन सवालों का राज्य सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं है। और इसीलिए अकबरनगर के बाद अब बाकी जो इलाके हैं जो अवैध अतिक्रमण कर बसाए गए हैं, उन पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। देखिए, ये रहीम नगर का इलाका है, यहाँ पर देखेंगे ये पूरी नाला और उसके पास में लोगों ने बाउंड्री लगाकर कब्जा कर लिया है। तो ये इस पूरे इलाके का सर्वे एक बार हो चुका है, दोबारा एलडी के अफसर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वो सर्वे कर रहे हैं, नगर विकास विभाग की टीम भी मौजूद है। सर्वे हो गया है, दोबारा अब सर्वे करने के बाद यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उन्हें नोटिस मुहैया कराए जाएंगे, उन्हें अपना सामान शिफ्ट करने का समय दिया जाएगा। जो गरीब तबका है, निम्न आय वर्ग का तबका है, उनके लिए आवास की भी व्यवस्था की गई है। योगी सरकार का अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान थमेगा नहीं बल्कि लगातार चलता रहेगा। कुकरेल रिवर फ्रंट परियोजना के दायरे में कुछ और कॉलोनी भी आ रही हैं जो कि अवैध रूप से बसाई गई थी, उन सब पर बुलडोजर चलेगा। इस वक्त मैं रहीम नगर इलाके में मौजूद हूँ, कुकरेल नदी के आसपास ये पूरे इलाके को बसा लिया गया था। जरा अगर इधर से देखें तो ये देखिए नदी जो नाले की शक्ल में कई सालों से यहाँ पर है, कितनी गंदगी इसमें भरी पड़ी है। अगर राज्य सरकार चाहती है कि ये अपने पुराने स्वरूप में बहाल हो जाए तो क्या गलत है, और अगर अवैध अतिक्रमण से निजात दिलाने के लिए राज्य सरकार अभियान चला रही है तो उसकी तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन विपक्ष के इन सवालों का राज्य सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं है। और इसीलिए अकबरनगर के बाद अब बाकी जो इलाके हैं जो अवैध अतिक्रमण कर बसाए गए हैं, उन पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। देखिए, ये रहीम नगर का इलाका है, यहाँ पर देखेंगे ये पूरी नाला और उसके पास में लोगों ने बाउंड्री लगाकर कब्जा कर लिया है। तो ये इस पूरे इलाके का सर्वे एक बार हो चुका है, दोबारा एलडी के अफसर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वो सर्वे कर रहे हैं, नगर विकास विभाग की टीम भी मौजूद है। और देखिए, ये जो जितने सहारे सहारे झुग्गी झोपड़ियाँ और बड़ी बड़ी इमारतें हैं, वो सब अवैध जमीन पर बनाई गई हैं, सरकारी जमीन पर बनाई गई हैं। सिंचाई विभाग, नगर विकास विभाग की जो जमीन है उस पर ये कॉलोनियाँ खड़ी कर ली गई थी, अपार्टमेंट भी कुछ खड़े कर लिए गए थे। तो अब इन सब पर बुलडोजर चलाकर अकबर नगर जैसा जो एरिया समतल किया गया था, प्लेन किया गया था ताकि यहाँ पर रिवर फ्रंट डेवलप किया जा सके, वैसी तैयारी की जा रही है। और ये एक बार सर्वे हो गया है, दोबारा अब सर्वे करने के बाद यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उन्हें नोटिस मुहैया कराए जाएंगे, उन्हें अपना सामान शिफ्ट करने का समय दिया जाएगा। जो गरीब तबका है, निम्न आय वर्ग का तबका है, उनके लिए आवास की भी व्यवस्था की गई है। जैसे वसंत कुंज योजना में अकबरनगर के रिहायशियों को आवास आवंटित किए गए थे, वैसे ही यहाँ पर भी आवास आवंटित किए जाएंगे। तो इस प्रोसेस में लगभग एक हफ्ते का समय लगेगा और एक हफ्ते बाद यहाँ पर भी JCB लगाकर पूरे इलाके को बुलडोज करने की कवायद शुरू की जाएगी, जितना जितना सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण हुआ है और आज से नहीं बल्कि सालों से चला आ रहा है। दिक्कत इस बात की है कि सरकारें मौन रहीं, अफसर चुप्पी साधे रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब इस नदी को पुराने रूप में बहाल करना है तो राज्य सरकार एकदम एक्शन के मोड में है और एक एक करके नोटिस सर्व कराने के बाद, लोगों को पुनर्विस्थापित करने के बाद, फिर यहां पर JCB लगाकर एक्शन शुरू किया जाएगा।